नगर परिषद के वार्ड नंबर तीन में बारिश के पानी ने सड़क पर तालाब का रूप धारण कर लिया है इसके चलते जहां स्थानीय वाशिंदों को परेशानी का सामना करना पड़ता है वहीं पैदल चलने वाले राहगीरों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है स्थानीय वासिंदे इस संदर्भ में शासन प्रशासन के पास कई बार न्याय की गुहार लगा चुके हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है गौरतलब है कि जिस स्थान पर यह पानी एकत्रित होता है उस स्थान पर प्रशासन व जन सहयोग के तहत डंगा लगाया गया था नगर परिषद द्वारा इस डंगे पर लोगों की सुविधा के लिए रेलिंग लगाई गई थी अब उस स्थान पर रेलिंग की जगह ईंटों की पक्की दीवार लगा दी गई है जिसके चलते यह सारी समस्या खड़ी हुई है स्थानीय बासिंदों द्वारा सरकारी डंगे पर निजी दीवार लगाने की शिकायत हर स्तर पर की गई लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई है उधर इस दीवार के कारण सड़क पर भारी मात्रा में पानी एकत्रित हो रहा है पीआर टीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट